मोबाइल फोन के कुछ ऐसे सेटिंग जिन्हें ऑन करने के बाद आप भी यही बोलेंगे, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। क्या आपने कभी स्क्रीन ऑफ में फ्लैश लाइट जलाई है? क्या आपने कभी स्क्रीन ऑफ में म्यूजिक प्ले किया है? कैसे करते हैं ये सब, आज की इस वीडियो में आपको प्रोसेस बाय प्रोसेस करके बताने वाला हूँ। तो चलते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पे और आपको प्रोसेस बाय प्रोसेस ये सब सेटिंग बताते हैं। तो दोस्तों हम आ चुके हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पे। दोस्तों अगर आप इन सेटिंग्स को जान लेते हैं अपने फ़ोन का तो आपको डेली लाइफ के लिए मोबाइल बहुत ही आसान हो जाएगा चलाने में। तो कौन कौन से हैं ये सेटिंग, चलिए फटाफट से आपको बताते हैं। तो सिंपली दोस्तों आपको अपने फ़ोन में अपना सेटिंग को ओपन कर लेना है। सिंपली आपको अपने फ़ोन में सेटिंग को ओपन कर लेना है। देन सेटिंग को ओपन करने के बाद अगर आपके आपके पास इन्फिनिक्स का फ़ोन है तो आपको और भी आसान हो जाएगा, अदरवाइज़ सभी फ़ोन में होते हैं। अगर आपके पास इन्फिनिक्स का फ़ोन है तो सिंपली आपको स्पेशल फंक्शन करके एक ऑप्शन शो करेगा, सिंपली आपको उस पर टैप करना है। देन आपको यहाँ पे इस एक्शन एंड जेस्चर वाला एक ऑप्शन शो कर रहा है, सिंपली आपको उस पर टैप करना है। अगर आपके पास कोई अदर फ़ोन है तो सिंपली आपको यहाँ से सर्च कर लेना है जेस्चर। जैसे ही आप जेस्चर सर्च करेंगे तो आपके सामने एक्शंस एंड जेस्चर वाला एक ऑप्शन शो कर रहेगा, सिंपली आपको इस पर टैप कर देना है। जैसे ही दोस्तों आप इस एक्शंस एंड जेस्चर वाले ऑप्शन पर टैप करेंगे तो आपको सबसे फर्स्ट में क्विक स्टार्ट वाला ऑप्शन शो कर रहा है, सिंपली आपको इस पर टैप करना है। दोस्तों ये क्विक स्टार्ट क्या है, सिंपली आपको यहाँ से इसे इनेबल कर लेना है, यानी दोस्तों इसे ऑन कर लेना है। देन आपको सभी को एक तरफ से ऑन करना है, जैसे कि इस वाले ऑप्शन को ऑन करेंगे तो इसका क्या फ़ायदा है, क्या यूज़ है। दोस्तों अगर आप इसको ऑन करते हैं, अगर आप सी स्क्रीन ऑफ में अगर आप सी टाइप सी बनाते हैं तो आपके सामने जैसे ही आप स्क्रीन ऑफ ऑन करेंगे तो ये आपके सामने कैमरा ओपन होकर आ जाएगा ऑटोमेटिक, जैसे ही आप स्क्रीन ऑन करेंगे। स्क्रीन ऑफ में आप सी बनाएंगे ऑटोमेटिक, आप जैसे स्क्रीन ऑन करेंगे तो ऑटोमेटिक आपके सामने कैमरा ओपन हो जाएगा। इसी तरह दोस्तों इन सब को यहाँ से ऑन कर लेंगे तो आपको सबका भी फ़ायदा बताते हैं क्या, ये आपको यहाँ से सभी को ऑन कर लेना है। जैसे दोस्तों इस वाले ऑप्शन को ऑन करते हैं तो यहाँ क्या है एम, अगर आप स्क्रीन ऑफ में एम बनाएंगे तो ये आपके सामने डायरेक्ट कैलकुलेटर ओपन होके आ जाएगा जैसे आप स्क्रीन ऑन करेंगे। जैसे आप तीसरा वाला इस ऑप्शन को ऑन करने के बाद दोस्तों जैसे आप स्क्रीन ऑफ में W बनाएंगे उसी प्रकार से जैसे आप स्क्रीन ऑन करेंगे तो ऑटोमेटिक डायरेक्ट आपके क्रोम ओपन हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ इन सभी ऐप्स को आप जैसे V बनाएंगे स्क्रीन ऑफ में, यहाँ से आप इस पर टैप करेंगे, अब जिस भी ऐप को जोड़ना चाहते हैं जिस ऐप को भी आप जोड़ना चाहते हैं यहाँ से इसे जोड़ लेंगे। जैसे आप V बनाएंगे स्क्रीन ऑफ में, जैसे आप स्क्रीन ऑन करेंगे डायरेक्ट आपका जीमेल ओपन हो जाएगा। इसी प्रकार से इन यहाँ पे आप सभी ऐप्स को जिन जिन ऐप्स को जोड़ना चाहते हैं यहाँ से आप जोड़ के रख सकते हैं, जैसे जेड हो गया, ओ हो गया, ई हो गया, इन सभी आपको इन सभी अक्षरों को मतलब स्क्रीन ऑफ में जैसे आप बनाएंगे जो भी आप यहाँ से सेट करके रखेंगे डायरेक्ट स्क्रीन ऑन होते ही वो आपका ओपन होके आ जाएगा डायरेक्ट। जैसे यहाँ से मैंने सेट करके रखा है वाई टी स्टूडियो एस वाला, जैसे ही मैं स्क्रीन ऑफ में एस बनाऊंगा, जैसे स्क्रीन ऑन करूंगा तो डायरेक्ट ये मुझे वाई टी स्टूडियो लेके चले जाएगा। देन दोस्तों ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा। देन हम बैक आते हैं, अब दूसरा वाला होगा दोस्तों टाइपिंग वेक। दोस्तों टाइपिंग वेक क्या है दोस्तों, सिंपली आपको उस पर टैप करना है, यहाँ से आपको इसे इनेबल कर लेना है। स्क्रीन ऑफ रहता है तो आप क्या करते हैं अपना साइड वाला बटन दबा के उसे स्क्रीन ऑन करते हैं। अगर आप इस फीचर को ऑन कर देते हैं, इस सेटिंग को ऑन कर देते हैं, जैसे आप स्क्रीन पे डबल टैप करेंगे तो डायरेक्ट ही आपका स्क्रीन ऑन हो जाएगा, आपको बटन दबाने का ज़रूरत नहीं है। देन हम यहाँ से बैक आते हैं। देन तीसरा हो गया दोस्तों म्यूज़िक जेस्चर। दोस्तों म्यूज़िक जेस्चर क्या है, सिंपली आपको इस पर टैप करना है। अगर आप इस सेटिंग को ऑन करते हैं यहाँ से आप स्क्रीन ऑफ में ऊपर की तरफ स्लाइड करेंगे फिंगर से, एक फिंगर से ऊपर की तरफ स्लाइड करेंगे तो ऑटोमेटिक आपके फ़ोन में गाना म्यूज़िक जो भी है ऑटोमेटिक आपका प्ले हो जाएगा, ऑटोमेटिक चलने लगेगा आप ऊपर की तरफ स्लाइड करेंगे। चौथा वाला फ्लिप म्यूट। फ्लिप म्यूट क्या है दोस्तों, यहाँ से अगर आप ऑन करते हैं इसको, आप जैसे ही किसी का फ़ोन आता है आप मोबाइल उल्टा करके ऐसे रख देंगे तो ऑटोमेटिक उस फ़ोन को आप म्यूट कर देगा यहाँ से, अगर आप इस सेटिंग को ऑन करके रखते हैं। देन बैक आते हैं, राइज टू एयर। सिंपली अगर इस पर टैप करते हैं आप, अगर इस सेटिंग को ऑन करते हैं, जैसे ही किसी का फ़ोन आता है, जैसे किसी का कॉल आता है, जैसे आप फ़ोन को अपने कान के पास ले जाएंगे तो ऑटोमेटिक फ़ोन रिसीव हो जाएगा। एंड दोस्तों छठा आते हैं हम लोग
लिफ्ट टू वेक। दोस्तों इस सेटिंग को अगर आप ऑन करते हैं, जैसे ही आप स्क्रीन आपका ऑफ रहता है, तो अगर आप स्क्रीन ऑन करने के लिए अपना बटन साइड बटन दबाते हैं स्क्रीन ऑन करने के लिए, अगर आपका स्क्रीन ऑफ रहता है, जैसे ही फ़ोन रखा हुआ है आप हाथ में ऐसे उठाएंगे तो ऑटोमेटिक ये स्क्रीन ऑन कर देगा अगर आप इस सेटिंग को ऑन करते हैं। देन बैक आते हैं हमारे दोस्तों, सातवां हो गया आंसर कॉल विथ ए जेस्चर। दोस्तों अगर आप इस सेटिंग को ऑन करते हैं, यहाँ से किसी का भी फ़ोन आता है, आप 20 सेंटीमीटर के दूरी से अगर दो फिंगर भी ऐसे अपने फ्रंट कैमरा के सामने दिखाते हैं तो ऑटोमेटिक कॉल रिसीव हो जाएगा। अगर आप 5 उंगली से भी दिखाते हैं 20 सेंटर के मतलब दूर में, तो ये ऑटोमेटिक आपका फ़ोन रिसीव कर लेगा अगर आप इस सेटिंग को ऑन करते हैं। देन हम यहाँ से बैक आ जाते हैं। एंड लास्ट है दोस्तों हमारा स्क्रीन शॉट। आप सबको तो पता ही होगा स्क्रीन शॉट। अगर आप यहाँ से स्क्रीन शॉट ऑन करते हैं, ऊपर की तरफ से आप 3 उंगली से नीचे स्लाइड करेंगे तो ये आपका स्क्रीन शॉट ले लेगा। एंड दूसरा है दोस्तों पार्टियल स्क्रीन शॉट, मतलब अगर आप साइड के तीनों बटन एक साथ दबाएंगे, लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे, तो ऑटोमेटिक ये आपका इस प्रकार से भी स्क्रीन शॉट ले लेगा। एंड दोस्तों लास्ट में हमारा डिलीट आफ्टर शेयरिंग, मतलब जैसे आप स्क्रीन शॉट को शेयर कर देंगे स्क्रीन शॉट लेके, तो आपके फ़ोन में सेव नहीं होगा। जैसे आप किसी को शेयर कर देंगे ऑटोमेटिक आपके फ़ोन से ये डिलीट हो जाएगा अगर आप इसको ऑन करते हैं। लास्ट है डिलीट आफ्टर एडिटिंग, मतलब दोस्तों जैसे आप स्क्रीन शॉट लेते हैं, आप उसे क्रॉप करते हैं, जो भी करते हैं मतलब एडिट करते हैं स्क्रीन शॉट लेके, आप जो एडिट करेंगे वही आपके फ़ोन में सेव होगा। अदरवाइज़ क्या होता है ना कि स्क्रीन शॉट जो लेते हैं वो भी हमारे फ़ोन में सेव हो जाता है, एंड जो एडिट करते हैं वो भी हमारे फ़ोन में सेव हो जाता है। अगर आप इस ऑप्शन को ऑन करते हैं तो आप जो एडिट करके रखेंगे वही आपके फ़ोन में सेव होगा, अदरवाइज़ वो ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा अगर आप इस सेटिंग को ऑन करते हैं। तो दोस्तों कुछ ये था हमारा बेसिक सा नॉलेज। तो आप भी कुछ इस प्रकार से अपने फ़ोन को बहुत ही ईजी बना सकते हैं डेली लाइफ यूजेज में। तो वीडियो कैसा लगा? वीडियो रिलेटेड कोई डाउट है तो नीचे कमेंट जरूर करना। अगर चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। फिर मिलते हैं ऐसे और टॉपिक के साथ दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे सेफ।